हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था अल जजीरा का, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां जाकर उसको कायदे से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ कितने डिटेल में बताया गया है। तो उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि स्कैम चल रहा है एक अजीब तरीका का, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने देश में ऑर्गन की सेल बैंड है। ना आप किडनी बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, कोई भी ऑर्गन की सेल बैंड है, इलीगल है। और ये वीडियो सिर्फ आपको स्कैम से अवेयर करने के लिए बनाया गया है। तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको, इसलिए बताऊंगा कि आप कुछ गलत ना करें और कोई स्कैम आपके साथ ना हो सके। तो न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया कि एक विक्टिम थी जो कि एक लेडी थी, उनका एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हाल हो गया था कि वो काम करने लायक नहीं रह गई, और उनके जो हस्बैंड थे वो काम नहीं कर रहे थे, और उनके दो बच्चे थे। अब उन्होंने लोन ले रखा था, अब उसको चुकाना भी था, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उनके मन में ख्याल आया, जो कि गलत ख्याल था, वो भी जानते थे कि गलत है, कि वो अपनी किडनी बेच दें। किडनी बेचने के लिए उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल किया, और फेसबुक पर जाकर किडनी से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड वर्ड लिखकर सर्च मारा। उसके बाद कुछ फेसबुक पेजेस खुले जो कि इस तरीके का काम करते थे, मतलब वो बताते थे कि ऐसा काम करते हैं वो। तो वहां पर जाकर इन्होंने अपना नंबर डाल दिया। फिर कुछ दिन बाद इनके पास कॉल आई और बताया गया कि कोई मेडिकल सेंटर इंटरेस्टेड है किडनी खरीदने में, 10 मिलियन रुपीज में किडनी आपकी खरीदी जा सकती है। तो ये सुनने के बाद विक्टिम को लगा कि यार मैं अपना सारा कर्जा चुका सकती हूँ। उसके बाद जो जिसने कॉल किया था उसने ये कहा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, और साथ ही आपको 8,000 रुपये देने पड़ेंगे डोनर कार्ड के, उसके बाद जो सेल का प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब विक्टिम की किस्मत अच्छी थी कि पैसा देने से पहले उनका मोहन फाउंडेशन से कांटेक्ट हो गया। मोहन फाउंडेशन जो कि 1997 में फाउंडेड किया गया था, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है ऑर्गन डोनेशन लीगली, और ये डोनर कार्ड भी इशू करता है जो जिनकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद डोनेट कर सके अपना ऑर्गन। तो उनसे जब बातचीत हुई तो मोहन फाउंडेशन ने बताया कि डोनर कार्ड के लिए कोई पैसा नहीं लगता, आपको जानकारी नहीं होगी, कोई पैसा नहीं लगता, और जो भी आपसे मांग रहा है वो फ्रॉड है, वो एक स्कैमर है। तो अब देखिए कितनी खराब बात है ये कि कोई इंसान पहले से परेशान है, और परेशान होने के बाद उसको और परेशान कर दिया जाए। पहली बात तो इस तरीका का काम ही नहीं करना चाहिए कि फेसबुक पे जाकर इस तरीका की आप ऐड लगाएं या इस तरीका से अप्रोच करें, अपना नंबर लिख दें, यही नहीं करना चाहिए, ये एकदम इलीगल है। लेकिन लोग मजबूरी में करते हैं, या फिर किसी को बीमारी हो गई, जान जाने वाली है, वो कुछ ना कुछ इस तरीका का स्टेप करेगा ही करेगा। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, लिख देगा कि मुझे ज़रूरत है, ये है, वो कुछ ना कुछ करेगा वो। और ये चीज़ जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए, और इसी गलती का फ़ायदा उठाते हैं स्कैमर, और वो लोग पैसा मांगते हैं डोनर कार्ड के नाम पे। आप याद रखिए, डोनर कार्ड का कोई पैसा नहीं लगता, ये मोहन फाउंडेशन ने बताया है, आप आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं। अब मोहन फाउंडेशन को इसके बारे में जरूर कोई ना कोई हिंट होगा, उनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड करने की कोशिश करी गई होगी उनके नाम से या उनके साथ, ये भी उन्होंने डिस्कस किया आर्टिकल में। और बड़े बड़े अस्पताल का नाम लेकर या फिर डॉक्टर की फोटो लगाकर फेसबुक पेज बनाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि फेसबुक ये सबको रोकता नहीं है, उसकी पॉलिसी है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो ये सब चीज़ को रोकता है, लेकिन स्कैम को होना रहता है तो वो हो जाता है किसी ना किसी रूप में, अगर आप सतर्क नहीं रहे। तो ये लोग यही कर रहे हैं, अगर ये विक्टिम पैसा दे देती तो बाद में उनसे कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसी तरीके से कुछ विक्टिम ने लिखा। अब क्या हुआ कि जब कोरोना आया, कोरोना के दौरान क्या हुआ कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई, तो कुछ लोगों को ऐसा ख्याल आया गलत कि वो किडनी बेच कर ऑर्गन डोनेट करके पैसा थोड़ा बहुत आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कर लेंगे अपनी जिंदगी के लिए। तो इसी दौरान इस तरीके का फेसबुक पेज आया और ग्रुप बना, इस तरीके से किया गया। कभी कभी क्या होता है कि विक्टिम खुद ही अपना रिक्वायरमेंट लिख दे या कोई पेज उसको मिल जाए, वो पेज ऐसे बने रहते ज्यादातर ऐसा होता है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, हो सकता है फेसबुक ना हो तो कल कुछ और इस्तेमाल करें। तो इस तरीका से ये लोग स्कैम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पेज बना रहेगा किडनी के नाम से, तो ये सब पेज बना रहेगा, और ये सब अल जजीरा ने दिखाया पूरा, आप जाकर उसको पढ़िएगा। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि पहली बात तो आप गलत काम ना करें इस तरीके का, और दूसरी बात इस वीडियो को शेयर करके बताएं कि ये सब चीज़ गलत है, और आप करते भी हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, और ये सब चीज़ गलत है, और इस तरीके का स्कैम चल रहा है, इससे बचें। सोशल मीडिया का इस तरीके का इस्तेमाल ना करें, गलत चीज़ ना करें। अगर कोई काम आपको करना है तो लीगली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको नुकसान हो
और अगर ये हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये वीडियो सिर्फ आपको इस स्कैम से बचाने के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।